हेलो वेलकम टू डार्क नाइटेरो तो आज मैं जस्ट टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट दे वांट फ्रॉम यू ठीक है लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं इस वक्त ठीक है व्हाट दे वांट फ्रॉम यू व्हाट दे वांट फ्रॉम यू What they want from आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाह रहे हैं मेरी कर है। सारी रीडिंग टैमल्स होती है जब भी आपके सामने आए आपसे तो कर सकती है मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती अगर आप लड़के तो उसे अपने से अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें व्हाट दे वॉन्ट फ्रॉम लू फिलहाल आपके पर्सन का नज़रिया काफ़ी ज़्यादा चेंज है आपको उस टाइम देखने का ठीक है थीके? अगर पास में आपके पर्सन को कोई प्रॉब्लम थी एक आपको समझने में आपको देखने में तो इस वक्त ये पर्सन होल बैक कर रहा है काफ़ी ज़्यादा आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस देख रहा है बहुत स्टेबिलिटी देख रहा है आपके अंदर उस वक्त ठीक है बहुत स्टेबल ग्राउंडेड मिच्योर और बहुत ज्यादा मतलब के सेल्फ फोकस बहुत ज्यादा मतलब के अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं अपनी जात पे फोकस कर रहे हैं मतलब एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरह आप इस पर्सन को दिख रहे हैं काफी ज्यादा चेंज है ये पर्सन आपको जो देख रहा है जिस तरीके से सोच रहा है काफी ज्यादा आपके अंदर चेंज देख रहा है बिल्कुल आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं और ये पर्सन इस चीज़ को नोट कर रहा है ठीक है आपके अंदर एक चेंज है पास्ट में आप जैसे जैसे थोड़ी सी आपके अंदर अब चेंजिंग आ रही है ठीक है आप ख़ुद के सेल्फ़ में रह रहे हैं खुद के साथ आ, वो चीज़ें आप मतलब कि आपका आप आपकी जितनी भी आपके अंदर जितनी भी काइंडनेस है ना वो अब अपने पर अपने साथ आप सेल्फ़ लव सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं ठीक है थेके? ये पर्सन होल बैक कर रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहे एंड हो चुकी हैं लेकिन मेमरीज को आपकी सोचों को अपने आ, सोचों को समझ रहा है याद कर रहा है आपको ठीक है कहीं ना कहीं ये पर्सन हरफन की एनर्जी है ठीक है कुछ एंड है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स पर्सन बहुत ज्यादा साइलेंट है है ठीक आपके अंदर चेंजेस चेंजेस देख रहा है लेकिन साइलेंट है कोई कोई वाटर साइन हो सकता है और आपको बहुत ज्यादा हीलिंग करते हुए देख रहा है आपके अंदर चेंजेस देख रहा है पास में इस पर्सन ने कभी भी आपको इस तरीके से देखा नहीं आपका सेल्फ फोकस आपकी ग्रोथ आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं इस पर्सन का इंटरेस्ट आपके अंदर बढ़ रहा है ठीक है सीक्रेट पर्सन है अपने इमोशंस को लेकर साइलेंट रहता है स्टॉकिंग stock, की एनर्जी है ठीक है ये पर्सन से क्या चाह रहा है ये आपसे चाह रहा है थोड़ा सा थोड़ा इंतजार थोड़ा वेट ठीक है कहीं से ये कुछ एंड करेगा ठीक है कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है इस पर्सन ने कुछ एंडिंग होनी ज़रूरी है इसकी लाइफ में कुछ चल रहा है जिसको ये कंप्लीटली ख़त्म करना चाहता है शायद आपको इस पर्सन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या इश्यूज़ हैं क्यों ये आपकी तरफ नहीं आता आपको ये पता ही नहीं है ठीक है अगर कुछ पता है तो बहुत कुछ है जो अभी नहीं पता वो आपसे इसने हाइट किया हुआ छुपाया हुआ है ये इमोशंस फील करता है आपके लिए लेकिन कुछ डिसीजन मेकिंग देना इसकी दिए या तो आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं कुछ डिसीजन मेकिंग देना इस पर्सन की लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है ठीक है ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है लेकिन इस पर्सन का नज़रिया काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है पास्ट से और अब तक आपको लेकर ठीक है कोई पास्ट में बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको लेकर इस पर्सन के माइंड में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स थे बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन थी आप लोग के बीच बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था लेकिन कुछ क्लैरिटी कुछ न्यू बिगनिंग कुछ न्यू स्टार्ट ये पर्सन अपनी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आपको सरफेस पे पता है कि ये 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 वजह है कि इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा लेकिन बहुत सी ऐसी वजह है जो हिडन है फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है रिलीजियस कास्ट इश्यूज हो सकते हैं कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कुछ स्टेबल स्टेबल अपनी लाइफ को लेकर कुछ सोच रहा है पर्सन ठीक है एक वक्त पे आपकी तरफ आना चाहता है हार्ड ब्रेकिंग एनर्जी है ऐसा हो सकता है किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहा है किसी थर्ड सिचुएशन से डील कर रहा है आप लोग के बीच बहुत ज्यादा ये बहुत ज़्यादा एक हार्ड ब्रेकिंग सिचुएशन आप लोग के बीच चली है ठीक है बहुत ज्यादा यहाँ पर हर्ट और पेन रहा है इस रिश्ते में ठीक है

चाहते हैं ठीक है अपनी जिंदगी में आप अ, अ, मतलब कि फुल बैक कर रहे हैं आगे बढ़ना चाहते हैं आप इस कनेक्शन पे और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते आपने एक्शन लेके दे देख लिया इस रिलेशनशिप पे इस पर्सन की तरफ लेकिन इसने कभी भी शायद अपने इमोशंस को ओपन अप नहीं करा आपसे अपने इमोशंस डिस्कस नहीं करे बस द साइलेंट हाइप्रिस की एनर्जी यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या चल क्या रहा है ये पर्सन इस वक्त आपसे क्या चाह रहा है कि उस वक्त क्या चाहता है मेरे व्यवर के पार्टनर मेरे व्यवस्था से उस वक्त क्या चाह रहे हैं hmm. ये पर्सन आपकी तरफ अपॉलोजी लेकर आना चाह रहा है किंग ऑफ कप्स इमोशंस हैं दो दफा किंग ऑफ कप्स मतलब कि पर इमोशनली ये पर्सन आपकी तरफ कुछ आ, एक ऑफर करना चाह रहा है रिकनसाइलेशन का ठीक है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हील होते हुए देख रहा है बहुत ज्यादा एक अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए देख रहा है ठीक है ये वेट कर रहा है कि आपका आप खुद एक्शन ले लें मतलब कि क्या आप इस पर्सन की तरफ कोई मूवमेंट कर लें आप खुद से आ जाएं इस पर्सन की तरफ क्योंकि यहाँ पर आ,

बहुत ज्यादा जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है आप उससे बहुत ज्यादा पीस में आप इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को आप हीलिंग हाँ कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन चल रही है आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन से बात कर रहे हैं कोई पास्ट एंडिंग हो चुकी है किसी किसी सिचुएशन में आपका पास्ट कोई पास्ट आपने एंड करा है तभी आप एक सेल्फ लव और हीलिंग कर रहे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं ठीक है थीके? ये पर्सन चाह रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लें इमोशनली आप इस पर्सन की तरफ आए रिकनसाइलेशन करने के लिए ये वेट कर रहा है ठीक है आपका पास्ट वाला पर्सन लेकिन आप कहीं कहीं आपकी कम्युनिकेशन किसी न्यू पर्सन से भी चल रही है जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा हील हो रहे हैं बैलेंस हो रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ, आ रहा है आपको आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा चेजिंग और रनिंग एक रनर और चेजर वाला गेम भी आपने इस पर्सन के साथ दोबारा कंटिन्यू नहीं करा हुआ ठीक है कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं आप बिजी हैं कोई ना कोई आपकी लाइफ में है कोई ऐसा किंग है जो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा है मुझे यहाँ पर कोई एक पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करता हुआ पैशनेटिव टॉक करता हुआ आपकी तरफ इंटरेस्ट लेता हुआ बहुत ज्यादा नजर आ रहा है ठीक है ट्रांजिशन uh, आप पीस में भी हैं ठीक है थीके? आप ट्रांजिशन की तरफ हैं किसी से कम्युनिकेशन आप लोग की चल रही है कोई ना कोई पर्सन है जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन चल रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे आपकी रोमांटिक लाइफ जो एक बैन हुई हुई थी ना कुछ जो स्टक हुई हुई थी जैसे ऐसा लगता था आप इस पर्सन की तरफ ही रह जाएंगे और ये पर्सन तो आपको कुछ दे ही नहीं रहा था ठीक है वो चीजें खत्म हो रही हैं आप आप खुश हैं आप इस फुलफिल्मेंट की तरफ हैं ठीक है थीके? ये पर्सन आपको चाह रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ आए आप अपनी लाइफ में खुश हैं अपनी जिंदगी में उस पर्सन से बात कर रहे हैं उस पर्सन को दे रहे हैं जो आपको दे रहा है

ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ये आपसी आपकी तरफ से कोई एक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी तरफ से कोई मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है और अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है लेकिन आपकी लाइफ में कोई है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है जो आपको मैसेजेस जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है जो इमोशनली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी है ठीक है आपकी पर्सनैलिटी से आपकी स्टेबिलिटी से आपकी बहुत मेचोरिटी से आप बहुत मतलब कि बहुत आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है आप पीस और काम और बैलेंस करके अपनी लाइफ को बैठे हुए अपनी जगह ठीक है अच्छी देखते हैं आपके पास पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं दोबारा से यहाँ पर क्योंकि एनर्जी कुछ टैरो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है ठीक है एनर्जी कुछ ऐसी थी कि जैसे आ, पर आप तो, मतलब कि आप आपकी आपकी जो एक जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है ना वो पहले आ जाती है जैसे आपके हिजाब पे बहुत सेल्फ फोकस है आपके खुद के पर आप काम कर रहे हैं देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाह रहे हैं आपके पर्सन आपसे चाह रहे हैं किसी तरीके का एक्शन जो आप ये खुद को होल्ड बैक करके बैठे ना जिसको आपने जो कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया आपके पार्टनर चाह रहे हैं आप पास के माइंड गेम्स और आर्ग्यूमेंट को छोड़ दिया तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप माइंड गेम्स खेल रहे हैं आप इस पर्सन के साथ ठीक है मतलब कि ये पर्सन चाह रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करते हैं एक न्यू स्टार्ट करते हैं आप बहुत इंटिवली गाइडेड uh, हैं आप इस वक्त इंटन को सुन रहे हैं व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है आप ये सक्सेस को फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ में हर तरफ एक्शन ले रहे हैं लेकिन आप इस पर्सन के मतलब कि इस पर्सन से अपनी चीज़ों को हाइट कर रहे हैं और इस पर्सन से डिसकनेक्ट हैं इस पर्सन से कनेक्ट भी कनेक्ट भी कर रहे हैं तो बहुत कुछ नहीं बता रहे ठीक है बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को होल्ड बैक कर लिया है खुलकर आप इस

आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं सृष्टि को लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर क्लारीफाई करेंगे पर्सन क्या चाह रहा है क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं ठीक है। आपके पार्टनर यहां पर सृष्टि को लेकर एक बैलेंस सोच रहे हैं एक बैलेंस कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं आपसे ठीक है आपके पर्सन चाह रहे हैं कि मतलब के अगर बहुत ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है तो लोगों की आप भी ना सुने ये भी नहीं सुनेगा ठीक है मतलब कि अगर कोई मैंटली पास का कोई आर्गूमेंट भी है तो उसको उसको लेट गो करें उसको भूल जाए ठीक है और टीम वर्क करते हैं इस रिश्ते पे काम करते हैं पर्सन चाह रहा है इस रिश्ते में हम दोनों मिलकर काम करते हैं एफर्ट करते हैं इस पर्सन को पता है इसने पास में नहीं कि तो उसको ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे लेकिन मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी तरफ से कोई मैसेज इमोशनल मैसेज ठीक है ये पर्सन आपको हील इस रिश्ते में ये पर्सन चाह रहा है कि एक जस्टिस प्रोवाइड करे हीलिंग करे लेकिन मैसेज आपकी तरफ से आ जाए ठीक है आप यहाँ पर कोई मैसेज कर दें क्योंकि इस पर्सन को नहीं पता कि अगर आपकी तरफ आता है तो आपका रिएक्शन क्या हो सकता है ठीक है मेंटली खुद को ब्लॉक और मेंटली खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा है ठीक है अच्छी देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या जा रहा है क्लैरिफाइ पेज ऑफ फ्रूट्स यहाँ पर पेज ऑफ फ्रूट की क्यों एनर्जी है पेज ऑफ फ्रूट Hmm. ये पर्सन चाह रहा है आप इस पर्सन की तरफ इमोशनली कोई एक्शन लें और क्लियर कट होकर क्लैरिटी के साथ कोई मूवमेंट करें साइलेंट ट्रीटमेंट से निकले हाई प्रेचर्स की एनर्जी से निकलें बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी लग रही है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप माइंड गेम्स खेल रहे हैं कोई ठीक है कोई माइंड गेम आप प्ले कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप साइलेंट होकर आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में ठीक है स्ट्रेंथ hmm. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ग्रोथ पे अपनी सेल्फ अपनी मतलब कि बहुता ग्रोथ पे बिजी हैं आप आपका फोकस अपनी ज़ात है अपने सेल्फ बन चुका है मतलब कि कि रिश्ते ये पर्सन चाह रहा है कि इस कनेक्शन को ये हील करे आपकी तरफ आकर देखिए कोई नफकफ ये आपकी तरफ एक पेयर बनाना चाह रहा है ये रिश्ते को हील करना चाह रहा है आपके साथ रिकनेक्ट कर कर इन सब चीजों को हील करना चाह रहा है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप साइलेंट ट्रीटमेंट देकर माइंड गेम्स खेल रहे हैं ठीक है यहाँ पे है फाइव ऑफ सूट्स Hmm. ये प्रश्न चाह रहा है क्या माइंड गेम्स आर्ग्यूमेंट और एक बिट्रियल एनर्जी को क्लोज कर दिया जाए मतलब के इस सिचुएशन को क्लोज कर दिया जाए कम्प्लीटली इस चैप्टर को जो पास्ट में रहा कम्प्लीट कम्प्लीटली उस रिश्ते से उस चीज़ों को उस हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से बाहर निकला जाए उस माइंड गेम्स को ख़त्म किया जाए और एक डिप्लोमेसी को एंड कर दिया जाए ठीक है एक पॉजिटिव पॉजिटिविटी की तरफ मूवमेंट करनी चाहिए ठीक है पेज ऑफ फैंटिकल आपके पार्टनर यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं कि कि स्टकनेस फील कर रहे हैं कम्युनिकेशन आप लोग की अब स्मूद नहीं रही आप लोग एक दूसरे को पास में एक हेजिटेशन है बात करने में कम्युनिकेट करने में बहुत सोचना पड़ रहा है ये पर्सन सोच रहा है कि आप क्यों इतना स्टक फील कर रहे हैं आप क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आप

खत्म कर दें ऑफ क्लियर हाँ ये व्यक्ति चाह रहा है टू ऑफ कप्स ये परसेंट चाह रहा है कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग एक सक्सेस ठीक है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकता है जो आपको बैलेंस दे रहा है जिस इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कुछ आप होल्ड बैक कर रहे हैं आप कहीं और इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे इस पर्सन को भी फील हो रहा है जितना आप बैलेंस होकर एक आपके पास चॉइज हैं आपके पास जो फर्स्ट मैसेजेस आए थे वो क्लियर कट है यहाँ पर आपके पास चॉइसेस आ रही हैं आप आपके ऊपर डिपेंड करता है पास वाले पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे किसी न्यू के साथ आ, आगे बढ़ना चाहेंगे आप ठीक है ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है इस हिस्ट्री को लेकर ये पर्सन क्या सोच रहा है विश

बहुत ज्यादा आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव आप लोग का पास रहा है रिश्ते में स्ट्रक hmm. है पास में स्टक हुआ हुआ है कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने एक्शंस में अपने बिहेवियर में इस पर्सन का पैटर्न बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहा है इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे आपकी तरफ एक्शन ले कैसे आपकी तरफ कोई मूवमेंट करे कैसे आए ठीक है ये इसीलिए आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है मैनिफेस्ट कर रहा है इसके इसको कन्फ्यूज है इसको, इसको, इसको एक्शन क्या लेना है क्या नहीं लेना जगलिंग एनर्जी है लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए क्या कर रहा है बस विश कर रहा है कि सृष्टि में बैलेंस हो जाए ठीक है हाँ वेट कर रहा है आपकी तरफ से किसी मैसेज का कि आप ही कोई मैसेज कर लें ठीक है थेके? विश है इसकी यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग इमोशनल हीलिंग और पीस ठीक है ये आपकी तरफ स्लोली बट श्योरली आना चाहता है लेकिन ये जानता है इसने आपको हर्ट करा है इसने आपको पेन दिया है ठीक है यहाँ पर ये आपके साथ जस्टिस कर पाएगा या नहीं मून की एनर्जी है मतलब कि कन्फ्यूज है क्लैरिटी नहीं है कि ये आपको जस्टिस दे पाएगा या नहीं ठीक है आप यहाँ पर इस रिश्ते में एक सेकेंड चांस इस रिश्ते में मिलेगा या नहीं मैंने कहा ना बहुत ज्यादा इसको लग रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं हरफेंट ठीक है यहाँ पे डिवाइन से गाइडेंस जरूर ले रहा है ठीक है यहां पर हो क्या सकता है अलग देखते हैं एट दिया एंड इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है आउटकम तो इस रिश्ते से क्या निकल सकता है मुझे आपके पास टू चॉइस लग रही है आपका डिसीजन मेकिंग है अगर आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो आप इस पर्सन की बारी है इन्वेस्ट करने की अगर इसने आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करा तो आप किसी और को चूज़ कर लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ठीक है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप दोनों ही अकेला अपन फील कर रहे हैं इस रिश्ते की वजह से मिसिंग एनर्जी दोनों तरफ से दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं एक जैसे कि आप अपनी पावर से हलना नहीं चाह रहे ये पर्सन अपनी पावर से हलना नहीं चाह रहा ठीक है सेल्फ फोकस सेल्फ वर्क ये पर्सन चाह रहा है एक टीम वर्क करना यहाँ पे करना ठीक है यहाँ पर फैमिली बनाने के लिए तो तोलेबरेट करना पड़ेगा ना फैमिली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर स्टेबिलिटी ठीक है ये एक्शन लेना चाह रहा है लेकिन बस अपने स्ट्रेस से देखें अपने बर्डन बर्डन एनर्जी से स्लीपलेस नाइट से में कन्फ्यूजन से कम्पलीटली ये जिस दिन मतलब कि जिस भी दिन इसने ए, एक ट्रांजेक्शन कर ली एक ट्रांस मतलब कि ये ए, एक ट्रांसफॉमेशन इसकी कंप्लीट हो गई तो ये एक्शन ले लेगा रिक्स टेकिंग कर लेगा इस पर्सन को पता है पास में इससे बहुत ज़्यादा मिसबिहीवियर करा है अब रिक्स uh, टेकिंग करना चाह रहा है न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है फुल की एनर्जी है ठीक है हीलिंग हीलिंग के लिए एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है यासी कोई कुछ न्यू फेस स्टार्ट करना चाह रहा है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए इसने पास्ट में बहुत ज़बरदस्त इस गेम्स खेले हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करी है बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है इसको कैसे स्टार्ट करना इसको नहीं पता वो तो टॉक्सिक रहा है ये पर्सन पास में ठीक है आप इमोशनली यहाँ पर इन्वेस्ट किए जा रहे थे और ये पर्सन मतलब तो एक टॉक्सिसिटी से रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहा था हर्मिट की एनर्जी ये साइलेंट है अकेला है और खामोश है और कुछ होप ढूंढने की कोशिश कर रहा है ज़िंदगी में क्या होप मिल सकती है इस रिश्ते को लेकर ठीक है क्योंकि इसकी लाइफ में भी कोई ऐसा स्टेबल बैलेंस ऐसा पर्सन नहीं है जिसको जो उसको पीस दे सके जो उसको एक आ, मतलब कि अपने होने का एहसास दिला सके जो आपने दिलाया जो आपने सपोर्ट दी जो आपने लव किया जो आपने केयर की वो कोई और थोड़ी प्रोवाइड कर सकता है ठीक है यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है और आपकी लाइफ में मुझे एक से ज़्यादा दो इंसान लग रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कोई और है जो इंटरेस्ट ले रहा है आपका इंटरेस्ट बने ना बने लेकिन आउट ऑफ नो वेयर वो आपकी तरह अंदर इंटरेस्ट ले रहा है वो क्यों ले रहा है आई डोंट नो लेकिन वो इंटरेस्ट ले रहा है वो आपकी चॉइज आपकी चॉइस है वो आपकी कदर भी कर रहा है वो आपके इंटरेस्ट भी ले रहा है वो आपके साथ कनेक्ट भी होना चाहता है लेकिन अब पास्ट भी है अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना चाहिए लेट्स सी देखते हैं आपको क्या करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को हील करें ठीक आप है आप हील नहीं हैं

गिव इन टू पैशन एक पैशनेटिव एनर्जी आ रही मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन या आपके बाद अंदर आपके अंदर एक पैशन भर देगा ठीक है अफॉर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट आपके अपने दिल को हील करें इस पर्सन ने बेहद हर्ट करा है पेन किया है आपको ठीक है पेन दिया है एयर मैजिक बहुत ज़्यादा सोच, सोच रहा है ये पसन आपको लेकर ठीक है कंटिन्यूसली सोच रहा है ओवर थिंकिंग कर रहा है ठीक है रिबर्थ ठीक है आपको रिबर्थ करना है एक पास को रिलीज करना है पे है गो विद द फ्लो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे है, जो होता है वो देखते रहें क्योंकि ये पर्सन ट्रेयर्स जॉय एंड सैडनेस पास में सैडनेस देखी, देखी है लव लाइफ को लेकर बहुत डिप्रेशन प्रेशर देखा है इमोशनली आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं हार्ट ब्रेक हुआ है पेन मिला है आपको बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी में रहे तो आपको इस वक्त हीलिंग पे जाना है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है कुछ भी आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करनी इस वक्त ये डिसीजन मेकिंग करने का टाइम नहीं है इस वक्त सिर्फ खुद को हील करने का टाइम है ना न्यू पर्सन की तरफ डिसीजन मेकिंग करें ना पास्ट की तरफ डिसीजन मेकिंग करें गो विद द फ्लो ठीक है स्टोरी खुद अनफोल्ड हो रही है इस रीडिंग तो को ऊपर रखूंगी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें एनर्जी चेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें तो मिलेगा कुछ अनके अबाउट में तो कमेंटी सेक्शन थैंक यू